लेंगे। अभी फिलहाल देख लो पूरा घाटी है, इधर खाली घाटी है। तो यहाँ नीचे में एक तो सिटी दिख रहा है, वहीं पर कुछ नाश्ता ले लेंगे। चलो दिखाता हूँ। तो मैं इतने ज्यादा ऊपर पे हूँ जमीन से, बाप रे बाप। आज मैं नाश्ता लेकर आ गया हूँ और आंटी के पास गया था लेने के लिए। आंटी को हिंदी आता ही नहीं है, तो उनको बोला कितना कितना, तो मतलब पैसा का पता ही नहीं था। पार्सल बड़ा उतना समझ गया आंटी, बस टाइम में 100 कनेट दे दिया, जितना काटना है काट लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो मैं आप लोगों को बताया था मैं एक कल आंध्रा जाऊंगा, लेकिन मैं कल नहीं जा पाया था हम लेने आंध्रा। तो एक दिन रुक के एक दिन दूसरे दिन बाद जा रहा हूँ। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल चालू हो गया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं निकल रहा हूँ अभी आंध्रा के लिए। तो मेरी गाड़ी में कैरेट डल चुका है, ये देखो गाइस कैरेट डला हुआ है। तो पूरे एक ही मार्क का कैरेट डला हुआ है, जो कि मैं मंडी से डलवाया हूँ कैरेट। तो ज़्यादा नहीं है कैरेट, 120 कैरेट है। और भर्ती तो बहुत कम का रहेगा अपना, वही अपना 18-19 किलो तक बताया भर्ती रहेगा। और अपने दोस्त को बुला लिया हूँ मैं, एक जन को, क्या बोलते हैं, राजा दोस्त को अपने बुला लिया हूँ मैं। और अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ से निकलते हैं। और अभी रात का 8 बज चुका है रात का। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है, क्योंकि आम खाना है, चाकू तो मेरे पास है, तो नमक लेना है। तो काला नमक भी ले लूंगा मैं और गोरा नमक भी ले लूंगा, व्हाइट वाला, और मिर्ची पाउडर ले लेंगे और काट के खाएंगे हम गाइस, मजा आ जाएगा आम। और अभी जा रहा हूँ मैं अभी आंध्रा सालूर, सालूर के आगे जा रहा हूँ 40-50 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरे को लगभग 500-550 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो मैं अभी घर से निकला हूँ भिलाई से, तो जीरो करके जाऊँगा, देखता हूँ कितना किलोमीटर पड़ता है। और अभी टंकी फुल करवाना है। तो भाई, तो अभी हाईवे के पास मैं रुक गया हूँ मैं अपना मंडी के पास में ही, और यहाँ पे जहाँ हमें कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर कुछ देख नहीं रहता। तो आनंद चाट वाले के यहाँ आ गए हम लोग, तो गाड़ी को भी साइड लगा दिया हूँ अपना, आ जा। तो यहीं पर कुछ खा लेते हैं फिलहाल। तो भाई, तो ये फ्राइड राइस ऑर्डर करके मंगा लिया हूँ, अभी इसी को फिलहाल खा लेते हैं, इतना की बहुत है अभी अपने। इतना रात भर क्या है, रात भर गाड़ी चलाना है अपने को, इतना ही खा के चलना पड़ेगा फिलहाल। खा के निकलते हैं अब। सबसे पहले अब किराना दुकान में ही रुकूंगा गाड़ी, और कहीं नहीं रुकूंगा। अब रुकना नहीं है ज़्यादा, टाइम बर्बाद नहीं करना मेरे को। अब 8:30 हो गया यहीं पे खाते खाते। देखो गाइस, मैं इधर जा रहा हूँ, ये सब्जी मंडी है मेरा, तो मैं दुर्ग होके जाऊँगा फिलहाल। तो अभी तो मेरे बड़े भाई यहीं आए हैं, तो उनसे मिल लेते हैं जब तक। देखो गाइस, मेरा भाई खड़ा है यहीं पर। कैसे गाइस, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे को मेरा भाई फोन लगा के बुलाया, क्या मेरे सब्सक्राइबर भाई आए थे, कहाँ से आए भाई? यूपी से आए हैं, बनोई बनोई से आए हैं। गाड़ी भी यहाँ खड़ी है भैया की, यूपी 66, तो 1.7 है अभी एक्स्ट्रा लॉन्ग है भैया की गाड़ी। तो भैया डाउनलोड करना है, कटहल जाएगा, कटहल जाएगा। और कब आए यहाँ पर? सुबह आते हैं। अपना नाम बता दे, अपने मुलाकात होती रही क्या, क्या निकल रहा हूँ मैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया भाई यार, आराम लेने हम भी जाएंगे। तो चलो अब यही रहो, काम दिला देते हैं। ये भाई खड़े हैं मेरे, ट्रांसपोर्टर यही है हमारे भैया, आए ट्रांसपोर्टर अपना। ये भाई को मैं मोबाइल में गाड़ी के नंबर लिखा हुआ था। हाँ, मेरा नाम तो मैंने फोन करके बोल दिया, तो उनको बुला लिया। हाँ, चलो चलो, बुलाता ही नहीं है। तो अभी हम लोग निकलते हैं और सबसे पहले मेरे को किराना दुकान खोलना है गाइस, किराना दुकान नहीं मिलेगा। तो अभी मैं दुर्ग से जा रहा हूँ गाइस, तो दुर्ग में देख लेते हैं, यहाँ पर तो किराना दुकान देख नहीं रहा मेरे को। चलो आगे से गाड़ी, ये चौक है सुपेला चौक अपना। तो अभी मैं सेक्टर वन रोड से जा रहा हूँ, देखो अंडरब्रिज से नीचे डाल रहा हूँ गाड़ी को, ऊपर से ट्रेन भी जा रही है गाइस। वो देखो ये क्या सीन है, तो मैं भी सेक्टर रोड से जा रहा हूँ अपने भिलाई के, जो कि नंबर वन एरिया है अपने भिलाई का। तो गाइस अपना भिलाई बहुत बड़ा है। तो गाइस अभी क्या है ना, ये सेक्टर एरिया में बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, अलाउ नहीं है हमारा, जब लोकल गाड़ी बस चलता है हमारा भिलाई का, बाहरी गाड़ी नहीं चल सकती, अलाउ नहीं है यहाँ पर, पूरा नो एंट्री रहता है। रोड भी दिखाता हूँ आप लोगों को, रोड देख के एक बार आप लोग खुद बता दो कि ये गाड़ी इसमें चलने लायक है कि नहीं बाहर का। गाइस अभी यहीं पर मेरे को दिख गया है दुकान, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट लेके आता हूँ नमक। तो देखो सामने में दुकान, तो गाइस देख लो मैं नमक वमक लेकर आ गया हूँ। देखो गाइस पुलगांव चौक आ गया हूँ, तो पुलगांव चौक है, तो यहीं से अपन लेफ्ट मार के सीधा चलते हैं। तो ये रोड तो कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, अभी पूरा रोड बन गया है ये। ये रोड भी काफ़ी बेस्ट पूरा बन चुका है,
इसीलिए दिक्कत नहीं है यहाँ से अपन कुछ का, क्योंकि अपन डीजल ही फुल नहीं कर रहा हूँ, मैं डीजल ही फुल करवा लूँगा, कुछ कुछ रख लेते हैं खाने के लिए, आज रहेंगे रास्ते में, ज़्यादा तो खाना नहीं खाए हम लोग, बस थोड़ा फ्राइड राइस खाए हैं, गुंडा भी जाएगा ये रोड, वहाँ से सफ्तरी रोड में कटना पड़ेगा। तो बस वही आज 1 तारीख है ना, तो बस अपने को पुलिस वुलिस वाले ज़्यादा परेशान मत करें, छत्तीसगढ़ आरटीओ आरटीओ वाले महीने का एंट्री करवा लो, महीने का एंट्री करवा लो, बस यही चलेगा, तो एंट्री करवा लूँगा महीने का। लेकिन क्या है ना दोस्तों, हर जगह जिले का अलग अलग हो जाता है ना, यहाँ ये जिले का अलग, वो जिले का अलग, तो कितना पैसा करवाते रहूँगा एंट्री। दोस्त गुंडरदही तो आ गया हूँ, और देखो गाइस पेट्रोल डीजल, मतलब अपना डीजल यहीं फुल करवा लेता हूँ। अब आगे क्या है, रात भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, सब बंद हो गया। तो अभी रेट देख लो गाइस 93 रुपये का है, टंकी फुल करवा लेते हैं। तो दोस्तों टंकी फुल हो गया मेरा, जो कि 4060 रुपये का आया लगभग, अंकल को पैसा भी दे दिया हूँ गिनने के लिए, पानी भर लिया राजा, तो थोड़ा दांत साफ कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से, तो निकल जाते हैं। देख लो गाइस ये सीधा रोड तो पता नहीं मेरे को कहाँ जाएगा, यहीं से अपन मोड़ लेते हैं धमतरी रोड में। तो गाइस यहाँ पर फाटक अभी फिलहाल तो बंद है, तभी यहीं से मुड़ जाते हैं गाइस, ये पहले बहुत पर गया हूँ मैं रोड में, ये और इस जगह का नाम है अमरी कला, कुछ ऐसे करके नाम है, और इसी तरह निकालेगा मेरे को धमतरी के आगे कहाँ गुरूर निकालेगा, गुरूर गुरूर जो भी बोलते हैं, तो वही निकालेगा। अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अभी धमतरी तो बचा ही होगा 25-30 किलोमीटर, और शॉर्ट भी पड़ेगा अपने को, फिर वो पार निकालेगा और पास पड़ेगा अपने को। तो गाइस देख लो गुरूर निकल गया हूँ, तो अभी पुरूर पहुंच चुका हूं मैं, और यहां से है 215 किलोमीटर है यहां से अभी जगदलपुर, सीधा रोड है यहां से, और देख लो गाइस यहां पे खाली बस ज़्यादा चलती है। तो चाय पीने के रोका हूं अभी फिलहाल, चाय पी लेते हैं और निकलते हैं तुरंत, कुछ खाने के लिए भी रख लेंगे। गुलाब गाड़ी देखो गाइस कितना तरह सजाने के लिए गाड़ी को, तो मेरे को छोटी बस लेना है। गाइस चाय पी के मैं निकल चुका हूँ, अब यहाँ से चलते हैं, 11 बज गया यहीं पर मेरे को, अब नॉन स्टॉप यहाँ से जाना है, अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा गाइस, यहाँ से 215 किलोमीटर अभी खींचता हूँ, पहले जगदलपुर सीधा केस काल में, देखते चाय और पियेंगे कहीं पे नींद आएगा तो। देखो गाइस ये रोड का पहला टोल प्लाजा पड़ गया है, तो फास्टैग में ही लगेगा इधर भी, तो फास्टैग है अपने गाड़ी में। अभी कांकेर पहुंचा हूं गाइस, कांकेर बाईपास अभी बन रहा है जो कि, और यहां से अभी 30 किलोमीटर और लगभग बचा हुआ केस काल, तो गाइस यहां का रोड देख लो अभी बन रहा है फिलहाल तो। दोस्तों अभी केस काल घाटी पहुंच चुका हूं मैं, और घाटी भी स्टार्ट हो ही गया है अब, ये देखो गाइस, तो अभी चलते हैं ऊपर। तो केस काल का जो कि आपने ऊपर चढ़ेंगे मोड़ है पूरा बड़ा बड़ा मोड़ का, जो नंबर पॉइंट लिखे हुए ऊपर चढ़ के बताता हूँ कितना पॉइंट है, और जो कैप का बना हुआ है गाइस, तो ऐसे में गाड़ी नहीं चढ़ पाती है जो कि बहुत मुश्किल है मेरा, खाली है मैं चढ़ा के दिखाता हूँ आप लोग, देखो गाइस ये देखो पूरा चढ़ाव बना दिए पहाड़। तो गाइस अभी तो 1 बजने वाला 20 मिनट बचे हुए हैं, 12:40 हो गया, काफ़ी तेज मेरे को नींद आ रहा है, तो अभी मैं घाट वाट तो पार कर लिया हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पे आधा घंटा सो लेता हूँ, दोस्त मेरा उठा देगा, तो चलो गाइस आधा घंटा सो लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पेट्रोल पंप दिख गया मेरे को छोटा सा, तो वहीं पर गाड़ी को लगा लिया हूँ, बगल में ढाबा भी है पीछे में। दोस्तों सोकर उठ चुके हैं हम लोग, कब गया टाइम हो गया, 2:15 तो 2:15 हो गया है, लगभग 1.5 घंटा सो लिए हैं, जल्दी उठूँगा बोला था, और गाइस पूरा रोड सन्नाटा हो गया, बगल से एक गाड़ी भी नहीं निकल रही है गाइस, पूरा रोड, तो कोई नहीं हम लोग निकलते हैं। दोस्तों अभी 3:00 बजे और मैं कोंडागांव अभी नहीं पहुंचा हूं, और इधर गाइस एक भी गाड़ी चल नहीं रहा है, बहुत कम गाड़ी चल रहा है, तो
वैसे डर लग रहा है कि ये पूरा नक्सलाइट एरिया बस्तर वाला, पहले का तो बहुत कांड हुआ, अभी तो पहले हमारा सीआरपीएफ अभी ऐसे पुलिस वाले सीसीपी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी कारण से बहुत दिक्कत कम हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था गाइस। है दोस्तों, आप सभी को मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग। और गाइस यहीं पे जगदलपुर से पहले जो टोल प्लाजा वहीं पर सो गया था हम लोग, ये देखो पीछे। तो अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से, मेरा दोस्त अभी सो रहा है, देख लो कहाँ जगदलपुर होगा 200 किलोमीटर। और अब चलते हैं गाइस, बहुत लेट हो चुका है, 6:30 हो गया सोते सोते हम लोग को। देखो गाइस, सुबह सुबह रोक लिया था मेरे को और उल्टा बहसबाजी कर दिया सुबह सुबह यही ट्रैफिक वाला, अपने जगदलपुर के पास ही जस्ट रोकता है और 300 रुपये वाला पहले बोलता है एंट्री करवा लो, मैं ठीक है 300 रुपये देने गया, बोलता है 500 रुपये वाला करो आम गाड़ी है ऐसे करके, तो फिर आम गाड़ी है बोल के 500, फिर 500 रुपये तो मैं दूंगा नहीं, तो बोलता है वापसी आएगा तो ओवरलोड आएगा, तो ओवरलोड मैं तेरे को बताता हूँ, मैं अभी तो छोड़ देता हूँ, एक भी पैसा नहीं लिया है। तो देखो गाइस उड़ीसा आ गया, मैं उड़ीसा एंटर कर रहा हूँ, पार हो गया गाइस। तो मैं कोरापुत रोड से जा रहा हूँ, तो अब सीधा कोरापुत रोड से ही निकलते हैं, होगा 80-90 किलोमीटर यहाँ से कोरापुत, उड़ीसा में तो आ गया हूँ। ये रोड में खाली अभी ना मेरे को घाटी मिलेगा, खाली घाटी पूरा सालोर तक मेरे को घाटी मिलेगा, उसके बाद सालोर के आगे है थोड़ा और जाना है और बगल में मेरे डैम है, तो दिखता है तो आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं डैम। ये तो गाइस पूरा घाटी है, ये देखो डैम, कोरापुत पहुंच चुका हूं अभी, और अभी दिन का 8:30 बज चुका है और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा मेरे को पहुंचने में, यहां से 110 किलोमीटर और बचा है मेरा फिलहाल सालोर के आगे जहां जाना है मेरे को। तो देखो गाइस ये देखो पूरा ओडी गाड़ी, ये देखो गाइस बस वाले के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। यहाँ से सालोर अपना बचा हुआ है, टोटल अपना लोकेशन जो बचा है यहाँ से अभी 60 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहे गाइस 2 घंटा, तो पता नहीं, और अभी 9:30 बजने वाला है, तो भैया पार्टी वाले फोन लगाए थे आ जाओ जल्दी माल टूट गया है लोड कर देंगे ऐसे करके, तो देख रहा हूँ गाइस जा रहा हूँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया हूँ कहीं से, देखते हैं कोई छोटा मोटा मार्केट देखिए पार्सल ले लेंगे, और फिलहाल देख लो पूरा घाटी है इधर, खाली घाटी है। तो गाइस ये गाड़ी कितना स्लो चल रही है देखो, तो मेरा भी गाड़ी खाली है ना, तो दिक्कत नहीं ज्यादा, मैं स्पीड चलाते चलाते जा रहा हूँ, क्या लेट हो रहा है ना, और आते समय तो फिर बहुत आराम से चढ़ना पड़ेगा मेरे को, पूरा चढ़ना है और रोड भी पूरा खाली घाटी है गाइस, नेटवर्क का तो कहाँ नेटवर्क पता ही नहीं है। देखो ना आप लोग भी देखो गाइस, तो यार नीचे में एक तो सिटी दिख रहा है वहीं पर कुछ नाश्ता ले लेंगे, चलो दिखाता हूँ, टर्निंग देखो टर्निंग, ये एक तो सिटी दिख रहा है छोटा सा रोड में ही है, जो कि रोड में तो कुछ खाने का नहीं दिखा, देखते हैं आगे कुछ मिल जाए। तो दोस्तों मैं तो मैप के हिसाब से आंध्रा में इंटर कर चुका हूँ, आंध्रा में मैप के हिसाब से, लेकिन बॉर्डर वॉर्डर पड़ा नहीं मेरे को, तो आंध्रा नीचे चेक वहाँ सैलोर के पास में चेक पोस्ट है तो वहीं पर पड़ेगा, और बाकी तो बाकी पार हो गया हूँ मैं, आंध्रा आ गया हूँ आंध्रा के अंदर। तो देखो गाइस यहाँ पर रोड देखो अभी कितना ऊपर हूँ मैं जमीन के हिसाब से, तो देखो गाइस चेक पोस्ट में रोके थे अभी, तो यहाँ पे एंट्री वेंट्री हो गया, नंबर वंबर लिखवा लिया अपना, तो अभी यहाँ से भी निकल जाते हैं गाड़ी के पास, एंट्री करते हैं लोग, देखो सब गाड़ी को रोकते हैं, सब गाड़ी को
क्या ना कि उड़ीसा में दारू गांजा सब मिलता है, आंध्रा में नहीं मिलता। आंध्रा में तो मिलता होगा लेकिन यहाँ पे चेक होता है बॉर्डर में। तो गाइस अभी सालूर से मैं 30 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और वो बिल्ली करके ऐसी करके मार्केट है कुछ, तो यहीं पर रुक जाता हूँ। अभी क्या है ना 5-6 किलोमीटर यहाँ से और अभी जहाँ बाड़ी जाना है वहाँ बचा हुआ है लोडिंग पॉइंट पे, और नाश्ता नहीं किया, बहुत तेज भूख लग रहा है। तो नाश्ता दुकान दिखा है देख लो गाइस, तो एक नाश्ता दुकान दिख रहा है तो यहीं से नाश्ता ले लेते हैं फिलहाल। गाइस मैं नाश्ता लेकर आ गया हूँ और आंटी के पास गया था लेने के लिए, आंटी को हिंदी आता ही नहीं है। मैं उनको बोला कितना तो मतलब पैसा का पता ही नहीं था, पार्सल बोला उतना समझ गए आंटी। उसके बाद मैं 100 कनेक्ट दे दिया जितना काटना है काट लिए, उसके बाद लेके आ गया हूँ इडली और बड़ा लिया हूँ। बगीचा लेके आ गए हैं भैया, अभी देखते हैं अब कहाँ टूटा है अपना माल। ये देखो रोड देखो गाइस, बाड़ी में लेके आ गए, पूरा आम का पेड़ है तो अभी उतार के दिखाऊंगा। तो ये बाड़ी में आकर बैठ चुका हूँ मैं, तो देखो गाइस पूरा पेड़ में आम लगा हुआ है, देखो नीचे में तोड़ के रखे। तो इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई दोस्तों।